लड़े लपे परी जो शासन हो प्रशासन हो पुलिस हो जा बुलाया जाए कहीं नहीं बसे है बसा हम तो कहीं ला कि अपन बनवा मरे अपन वहां तो बना लें मरे शरीर अब खा ले सब दवाई होती क्योंकि मारे पास तो मरबो करा ऐसा कंडीशन है कि सौ आदमी आए हैं मारे दिल है तो मरवा ले मरवाऊ ले रिपोर्ट के तो फायदे में रहा सब दिन ले एक बराबर मराई मंदिर में बना दे बढ़िया। खबर रीवा जिले से है जहां इन दिनों अपराध बेलगाम हो चुका है। अपराधों के बढ़ने में पुलिस प्रशासन और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अपने विरोधियों को फंसाने के लिए जहां तरह तरह की साजिशें की जाती हैं, वहीं कोर्ट कचहरी के मामलों में भी इसी की वजह से मामले बढ़ते जा रहे हैं और कई बार जमीनी विवाद के चलते बड़ी घटनाएं घटित हो चुकी हैं जिसमें कई जाने जा चुकी हैं। दरअसल ताजा मामला रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र के मनकहरी का है जहाँ कमला देवी मिश्रा पति प्रकाश नारायण मिश्रा की लगभग 5 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। पीड़ितों ने कई बार पुलिस प्रशासन से शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। नतीजा यह हुआ कि विरोधी हरिजन आदिवासियों को उकसाकर लगभग 3 एकड़ की और जमीन पर झुंगी झोपड़ी बनवा दिया। आप समझ सकते हैं कि किसी की पुश्तैनी जमीन पर अगर इस तरह से जबरदस्ती कब्जा करवाया जाए तो विवाद की कैसी स्थिति निर्मित हो सकती है। अपनी पुरखों की अमानत को बचाने के लिए कोई क्या कर सकता है। पीड़ित ने बताया कि मुकेश मिश्रा नाम का व्यक्ति उनका विरोधी है जिसके द्वारा खुद 1.5 एकड़ में कब्जा किया गया है जो गुंडई के दम पर फसल काट लेता है। उसके पिता अरविंद मिश्रा शासकीय कर्मचारी हैं और भाई ओम मिश्रा गांव में रहकर लोगों को उकसाता रहता है। पीड़ितों ने पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर से भी की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जो पूरे मामले का खुलासा कर रहा है। दरअसल वीडियो में मुकेश मिश्रा के द्वारा हरिजन आदिवासी के बीच पहुंचकर यह तक कहा जा रहा है कि मेरे द्वारा कब्जा किया गया तो पीड़ित कुछ नहीं कर पाया। तुम एक साथ संख्या में हो, जरूरत पड़े तो मार खाओ और मारो, शिकायत करो, उसका भी फायदा मिलेगा। किस तरह से पूरी साजिश के तहत गरीब किसान की जमीन पर कब्जा कराया जा रहा है और प्रशासन आंख बंद कर किसी बड़ी वारदात का इंतजार कर रहा है, यह आप देखकर स्वयं अनुमान लगा लेंगे कि अगर इस तरह के अपराधों को नहीं रोका गया तो किस तरह से वर्ग संघर्ष की स्थिति निर्मित हो सकती है। आप भी देखिए वीडियो, फिर सुनाएंगे पीड़ित और प्रशासन का क्या कहना है। लड़े लपे परी जो शासन हो प्रशासन हो पुलिस हो जा बुलाया जाए कहीं नहीं बसे है बसा हम तो कहीं ला कि अपन बनवा मरे अपन वहां तो बना लें मरे शरीर अब खा ले सब दवाई होती क्योंकि मारे पास तो मरबो करा ऐसा कंडीशन है कि सौ आदमी आए हैं मारे दिल है तो मरवा ले मरवाऊ ले रिपोर्ट के तो फायदे में रहा सब दिन ले एक बराबर मरई मंदिर में बना दे बढ़िया 3-4 फीट का रास्ता ना रहा रास्ता 8-10 फीट का। महेश ने महेश है दू चौंक रास्ता फाइल बने में 1000 रुपया वाला कागज खरीदा में 1000 रुपया ये कागज खरीदा ये कागज वाला लगा श्याम श्यार है अपन बना ले कैसे का करे है अपन में वास्तविक आबादी शोभत शोभत बसा के रहे पटेल के थोड़ा मगते हमका जहाँ बसाए वहाँ बसे खबर तो बहुत बड़ी गलती पटखबा तुम्हारे साथ गलती की भैया जी के साथ गलती की फिर हम लाइन
बहुत बड़ी बहुत बड़ी महान अगर ऐसा हो जाए चमार एक साथ में रहा बोल एक साथ में रहा तो उमे बना बच जा उमे के बनाए लड़े लपे परी जो शासन हो प्रशासन हो पुलिस हो जा बुलाया जाए कहीं नहीं बसे है बसा हम तो कहीं ला है कि अपन बनवा मरे आप वहां तो बना ले मरे शरीर अब खा ले सब लड़ाई होती क्योंकि मारे पास तो मरबो करा ऐसा कंडीशन है कि सब आदमी आए हैं मारे दिल है तो मरवा ले मरवाऊ ले बजा रिपोर्ट के तो हम फायदे में रहा सब दिन ले आगे एक बराबर मराई मंदिर में बना दे बढ़िया जमीन उमीन लाठी कमजोर है अपन चले गए सगरा में काम न हो लड़े लपे परी आसन आसन जो कह लिखी तो कह लिखी अब अगली जो फसल बोबरी तो यह पूरे एरिया में हम ये करना जोता दे भी हम आप क्या जो शासन हो प्रशासन हो पुलिस हो जा बुलाया जाए हम अपन ये भाई न छुए दे बात खत्म कोई जब कहीं ले तो फिर तो जरूरत नहीं है पट्टा शामिल ही जाई आबादी का मतलब पता कहा होता है जहाँ तू बसे है तो कहीं नहीं बसे है बसा हम तो कहीं ला है कि आप बनवा मरे आप वहां तो बना ले मरे शरीर अब खा ले सब जितने लड़का बच्चा है मैं सबका एक एक मड़ाई बना बड़ा हुआ मैंने किया है पट्टे के राजी में सब बनवा लीन तो का हुई क्यों नहीं वो कोई जहां देखे जगह द्वारे में जमीन बची लाग है ते आप अपने लड़के के एक एक मड़ाई सबके बनवा डारा अब अगली बार मान लो फिर के वही जांच करे पर तो फिर नहीं बना लगा है तो वह हम तोड़ो कर घर दुआ मरे तो ही बनाए पड़ी लड़ाई होती क्योंकि मारे पास तो मरबो करा ऐसा कंडीशन है कि सब आदमी आए हैं मारे दिल है तो मरवा ले मरवाऊ ले जाकर रिपोर्ट के तो हम फायदे में रहा यही यही कहा सब छोड़ छाड़ दी हाँ लड़े पड़ी हम मान लगे विवाद हुए विवाद हो रहा है तो इन्हों के पास गवाही तू दे इनके पास तोरे पास ही गवाही दे सब जने दूसरे के साथ में इकट्ठा हो जाए वही के साथ काम खत्म हो जाए विवाद ना हो गई जो बिटिया बहनी पकड़े ले जाए तो बड़ैया नहीं है वो कहते कि गाड़ी खड़ी करे तेल निकाल ले या कम बाती है कोई निकाल मुकदमा है बताते हुआ आगे लगा दे गाड़ी में हम रही मुकदमा बता सब जन में रुकवा दे भाई हम बच्चे यहाँ बसे हैं भाई और सब जन ले आगे बराबर मड़ई खाली पाया सब मड़ई छावा ये सब मंदिर बना पाएगा खाली पाया है मंदिर में बना दे बढ़िया मड़ई छा के मंदिर बना ले बढ़िया है सब मंदिर बन जाए वह करे पड़ी है या सोचोगे कैसे अपने आप का बंधा ले अपने अपना हो का बंधा ले हजार हजार सौ सौ रुपए देखे चंदा मिला ले देख कुआं बदल जाए पूरा कहे जांग तेल लगाते हैं पचास आदमी है पचास आदमी नहीं आई सब हजार आदमी है अपने से मजदूरी पहले कुआं बदल जाए लड़का बच्चा सब नहीं है मिश्रा जी पूरा मामला बताइए आप हमको ऐसे ही मोबाइल में किस तरह से अतिक्रमण किया कैसे मुकेश इतना लोग कब्जा किए थे फिर कैसे साजिश करके वो आदिवासियों को बसा रहे हैं और प्रशासन क्या मदद कर रहा है आपकी कि नहीं कर रहा सर एक्चुअल में पहले ये क्या था कि हमारे मामा जी की जमीन थी ठीक है सोमनाथ मिश्रा की ठीक है ये गाँव में जब उनके खत्म होने के बाद हमारे पिताजी को मतलब हमारी दादी को दो दादियां थी तो दो दादियों को दे के गए थे वो हम करीब 2000 मतलब 90 मतलब 96 से जोत बो रहे हैं ठीक है उसके बाद एक उसमें पटेल द्वारा 25-26 एकड़ उनके द्वारा जो दादी वाला हिस्सा था वो खरीद लिए थे ठीक है हमारे पास चार परिवारों में 26 एकड़ के 1/4 के भाई हो गए मतलब दादी के चार संतानें थी हमारे पिताजी लोग कमला ब्रजेंद्र नारायण मिश्रा यज्ञ नारायण मिश्रा राजेंद्र नारायण मिश्रा प्रकाश नारायण मिश्रा और राममित्र मिश्रा तीन लोग तो इनमें एक्सपायर हो चुके हैं ठीक है और उसके बाद ये जो गंगा प्रसाद मिश्रा के पुत्र है ये सामने ही घर बना हुआ था तो एक ही नंबर में दोनों वो चढ़े हुए थे बटे में ठीक है गंगा प्रसाद मिश्रा जो अरविंद मिश्रा के पिताजी थे तो ये शुरू से ही विवाद कर रहे थे उस जमीन के लिए तो जब वो खत्म हो गए तो उस समय सूखा पड़ा था 2-3 साल खेती नहीं हुई तो
खेत मैदान पड़ा रहा जिसके कारण उसमें होली जलती थी, ठीक है। तो उसमें ये अपने नाम कब करवा लिया पंचनामा के आधार पे ग्रामीण के, उसमें पांच भाई, इनके पांच भाई थे, उन लोगों से लिखवा के बोले ये मेरे नाम से जमीन पंचायत के उससे मेरे नाम चढ़ गई। अब ये चीज हमको जानकारी नहीं थी, करीब सात आठ तीन चार साल बाद हम जब अपना जोतने बोने लगे तो ये विवाद करने लगे, विवाद में FIR हुई, एक आध दो बार हमने वो किया पुराने उसमें और पलट देते थे। अब वहाँ हमारे पिताजी जब खत्म हो गए तो हम लोग वहाँ रहना छोड़ दिए कुसा ग्राम में, और वहाँ सिर्फ हमारी माता जी बस रहती हैं, ठीक। और उसके बाद वो मजदूर दो चार मजदूर हैं पुराने, उनको माता जी द्वारा नहीं, उनको मतलब वो ऐसे ही काम करने के लिए रहते थे जी। मतलब मामा जी के जमाने से, ठीक है। तो वो रहते थे तो उनको ग्रामीण का प्रधानमंत्री उसमें पुराना इंदिरा गांधी वाला तीन तीन डिसमिल का पट्टा भी दिया गया था, लेकिन किसी की सहमत नहीं थी प्राइवेट में, ठीक है। उनको हमने कभी डिस्टर्ब नहीं किया, आज तक वो बसे हुए, लेकिन उनकी संतान बढ़ बढ़ के करीब आज 50 लोग 60 लोग हो गए हैं, और वो एक एक एकड़ में जिस खेत में चाहे उसी में बना लेते हैं, झगड़ा करते हैं। अगर हम कुछ बोले तो हमने ऊपर अर्जन एक्ट का दबाव डालते हैं, मारपीट करते हैं, वो लोग ज्यादा जन हो जाते हैं, हम हो जाते हैं छोटे, ठीक है। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उनके द्वारा कहा जा रहा है कि शायद आप बनाओ करो वो उसका रोल यही है कि हमने एक जमीन में हमने कब्जा कर लिया है और तुम लोग इतना कब्जा किए हो और इनके पूरी जमीन में अब कब्जा करो, मतलब क्या विरोधी है भाई? हमारा विरोधी यही है कि उनको हमने वो क्या है और जमीन हमसे मांगते थे, एक जमीन में कब्जा कर लिया, बोले इसमें केस चल रहा, दीवानी चल रही है, तो बोले कि हमसे पैसा ले लो और दीवानी वापस ले लो, हमने तो पट्टा करा ही लिया है, अब हम पैसा ले क्यों ले पैसा, हम अपनी जमीन को क्यों छोड़ दे। अब उसी का आधार बना के भाई मजदूर को भड़काना बरगलाना, वो अभी तक मजदूर कभी भी कोई चीज वो नहीं किए। अब इस साल से पूरे जमीन में मड़ैया खेत में बोई खेत में मसूरी की खेत थी पूरी उखड़वा डाला, मसूरी आपके पट्टे की जमीन है आपके वो सब पट्टे की हमारी ही पट्टे की जमीन है तीनों, हमारी बड़ी मम्मी की और चाचा जी, जो चाचा जी आ रहे हैं रीवा में आधे घंटे बाद पहुंच जाएंगे, उनसे भी आप बयान ले सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मसूरी और गेहूं के खेत में उखड़वा के, ठीक है, और उनको प्रधानमंत्री आवास जो तीन दो चार लोगों को प्रधानमंत्री आवास भी मिल चुका है वहाँ, ठीक है। लेट्रिन का पैसा तो लेट्रिन किसी ने नहीं बनाया और लेट्रिन का भी पैसा वो कर लिया प्रधानमंत्री आवास में, अपना बना के उसमें रहते नहीं है, दूसरे अच्छा। लोग रहते हैं और अब अतिक्रमण करके कब्जा बना रहे हैं कि हम तुमको अर्जन से पुलिस प्रशासन से मदद मांगी कभी क्या सर? दो बार तीन बार मेरा छोटा बाला भाई गया है, माता जी जाती है पुलिस प्रशासन सगरा थाने में, एक यादव सेन जी है वो पूरा प्रभार देखते हैं, ठीक है, उनके द्वारा सीधा कहते हैं हम न रिपोर्ट लिखेंगे। तो क्या लगता है कभी भी कुछ बड़ी विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है? कोई बड़ी विवाद नहीं सर, मैं गाँव नहीं जा रहा हूँ, डर के मारे गाँव नहीं जा रहा हूँ, मेरी खेती सूख रही है, मेरा छोटा वाला भाई किसी तरह सिंचाई कर रहा है, और मैं बस नहीं उसमें जो पटेल समुदाय है, पटेल समुदाय से भी यही हो गया 107-16, उनको तो स्टे भी मिल गया, उनकी जमीन में भी कम से कम 20 मड़ैया भेजा, जिसमें ये आपको वीडियो में और उसमें दिख रहा है आपको फोटो में, फोटो में संरक्षण ये बस राजनीतिक संरक्षण यही है कि कुछ लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा, अभी मैं स्पष्ट रूप से उनका नाम तो नहीं लूंगा, पर विशेष राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि मजदूर हो तुम, वोट बैंक की राजनीति हो रही है कि कल को हमारा वो हो जाए, मतलब हमको वोट मिलेगा तो प्रशासन क्या चाहते हैं? और उसकी उसकी सर मंशा उसकी जो मुकेश मिश्रा है और जो अरविंद मिश्रा है ग्राम सेवा का ग्राम विकास अधिकारी है वहाँ रायपुर कचुलियान के अंतर्गत का ही, वो ये उसका लड़का दो 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 पाँच पाँच हजार रुपए में सबको फाइल दे दे के पैसा ऐठ रहा, मतलब एक से 1.5 लाख रुपए उसने कमा लिया, और उनको कमाने में वो लोग मजदूर सोच रहे हैं कि ये हमारा पट्टा बनवा देंगे, मजदूरों की क्या गलती, जमीन आपकी पैसा वो लेके उनको पट्टा दे रहा है, ये पट्टा दिला रहा है, और ये सब शासन की पैसा दे भाई, शासन फ्री में दे रहा है तो शासन फ्री में पट्टा दे, मैं कभी किसी को नहीं, शासकीय जमीन में पट्टा दे खरीद के दे, मैं कोई मना थोड़ी ना कर रहा हूँ सर, लेकिन किसी के पट्टे की जमीन में आज अनैतिक वो कर रहे हैं तो कल को कोई भी भीषण हादसा
कितनी जमीन में आपके कब्जा किया जा रहा लगभग? करीब 3.5 एकड़ में जमीन में कब्जा किया जा रहा है और 4.5 एकड़ में पहले से बना हुआ है और कुछ बाड़ी रूंधी हुई है। कहाँ कहाँ शिकायतें की है आपने? कलेक्ट्रेट में भी की है? कलेक्ट्रेट में किया है, थाने में किया है, SP ऑफिस में किया है और DIG साहब और वो कमिश्नर और कार्यालय में अभी आज मेरे चाचा जी करने जा रहे हैं, आज फिर से उसमें है तो चाचा जी जा रहे हैं करने। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई? अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। SP साहब ने बोला, चलते चलते ये बोला था कि कार्रवाई करूंगा। एक्चुअल में अगर अरविंद मिश्रा और इसके ऊपर FIR हो जाए, वो अगर एक तरह के वो हो जाए, शिथिल हो जाए, तो वो मजदूर कभी नहीं कर सकते। वो मजदूर आज भी जाके पूछिए ग्रामीण में कि कभी उस वो कह रहा कि हम भगा रहे हैं। जो पहले उनका वीडियो आया था, उसने सब लोगों को लेके आया था कलेक्ट्रेट में, उसका भी वीडियो मैं आपको देता हूँ। कहता है कि वो भगा रहे हैं। हम क्यों भगाएंगे किसी को? हमारी क्षमता ही नहीं है उनको हटाने की। भाई जो दो चार लोग हमारे काम कर रहे हैं, हमारे आदिवासियों को मोहरा बनाकर आपकी जमीन पर हाँ, और पैसा कमा रहा है, इसमें पैसा कमा रहा है। फ्री में तो कोई काम कर नहीं रहा, फाइल दे रहा है, फाइल फ्री की आ रही है, 10-10 रुपए, 50-50 रुपए फाइल के नाम से, 1-1 हजार, 2-2 हजार रुपए पट्टे के नाम से, शासन की उसमें पैसा ले रहा है, ये शासन की पट्टे के उसमें ये पैसा कमा रहा है। आप क्या नाम लिखते हैं अपना? मैं जितेंद्र मिश्रा। ठीक है मिश्रा, ठीक।